हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में, जो कि एक टॉपिक है एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंदर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस का। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स के बारे में, उनके एग्जांपल्स के बारे में। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में। तो ये जो एनालॉगस ऑर्गन्स हैं, ये क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स व्हिच आर डिफरेंट इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो अपने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डिफर करते हैं, बिल्कुल अपोजिट होता है ये होमोलॉगस ऑर्गन्स का। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डिफर करते हैं एंड डेवलपमेंटल ओरिजिन के अंदर डिफर करते हैं, बट अपीयर सिमिलर अपीयर होते हैं एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो डिफर करते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटल ओरिजिन के अंदर एंड सिमिलर होते हैं अपीयरेंस एंड फंक्शन के अंदर। ठीक है, और होमोलोगस क्या थे? इसके बिल्कुल अपोजिट थे। उनके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटल ओरिजिन सिमिलर था, लेकिन फंक्शंस और अपीयरेंस क्या थे? अलग अलग थी। तो ये इसके बिल्कुल अपोजिट है। The relationship between structures of different organisms. अब अलग अलग organisms होंगे, उन organisms के structures या फिर उनकी जो या फिर हम बोल सकते हैं उनकी जो appearance है वो कैसे similar होंगी? Due to their similar function is called analogy. And ये जो relationship है between structures of different group of animals due to their similar function. सिमिलर फंक्शन होने की वजह से ये जो यहाँ पे रिलेशनशिप बनता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में, इसको बोला जाता है एनालॉजी या फिर इसको बोला जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। हमने बात की थी होमोलोगस ऑर्गन्स के अंदर एक एंसिस्टर था, उससे बहुत सारे डाइवर्ज हुए थे, जिसको हमने बोला था डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स तो अलग अलग थे लेकिन वो किसी एक पॉइंट पे आके क्या हो गए हैं? सिमिलर फंक्शन शो करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और इसको अडेप्टिव कन्वर्जेंस बोला जाता है। लाइक होमोलोगस ऑर्गन्स को हमने बोला था अडेप्टिव रेडिएशंस, अलग अलग रेडिएट कर गए थे वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर एंड अडेप्ट कर गए थे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? अडेप्टिव कन्वर्जेंस होती है, यानी कि ऐसे अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक जगह पे आके ऐसे क्या हो रहे हैं? यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, अडेप्टिव कन्वर्जेंस शो कर रहे हैं। तो एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? जिनका बेसिक स्ट्रक्चर डेवलपमेंटल ओरिजिन डिफरेंट होता है लेकिन अपीयरेंस एंड उनका फंक्शन सिमिलर होता है, एंड इनको एनालॉजी बोला जाता है। इसके अलावा इनको ये शो करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड अडेप्टिव कन्वर्जेंस। व्हेन अडेप्टिव कन्वर्जेंस इज फाउंड इन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में अडेप्टिव कन्वर्जेंस देखने को मिलती है तो इसको पैरेलल इवोल्यूशन बोला जाता है। यानी जैसे एक स्पीसीज ये थी, एक ये थी, एंड कुछ टाइम के बाद ये ऐसे आके क्या शो कर रही है? एक ऐसे यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर शो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर शो कर रही है या फिर कॉमन फंक्शन शो कर रही है, तो इसको बोला जाता है ये पैरेलली इवोल्व होके आए हैं, इनको पैरेलल इवोल्यूशन बोला जाता है। The structural similarities between the analogous organs. इसके अलावा जो structural similarities हैं analogous के बीच में is due to their adaptations for similar function rather than the common ancestry. Homologous organs के अंदर क्या था? एक common ancestry थी जिसकी वजह से वो क्या show कर रहे थे? यानी कि वो adaptive radiation show कर रहे थे या फिर वो divergent evolution show कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर क्या है? ये अडेप्टेशन फॉर सिमिलर फंक्शन। ठीक है, ये अडेप्टेशन है सिमिलर फंक्शन की रादर देन द कॉमन एंसेस्ट्री। इसके अंदर कॉमन एंसेस्ट्री का कोई रोल नहीं है। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे इंसेक्ट एंड बर्ड विंग। ठीक है, ये इंसेक्ट का विंग है, ये बर्ड का विंग है। तो ये दोनों विंग जो है, इंसेक्ट का विंग जो है इंटेग्यूमेंट होता है एंड यूज होता है फ्लाइंग के लिए। तो ये क्या है? इसका फंक्शन है एंड ये इसका स्ट्रक्चर है या फिर इसका ओरिजिन है। एंड बर्ड्स का विंग जो है एक मॉडिफाइड फोरलिम्ब होता है। ठीक है, बोन्स होती है उसके अंदर, मॉडिफाइड फोरलिम्ब होता है। ये भी किसके लिए अडेप्टेड होता है? ये भी अडेप्टेड होता है फ्लाइंग के लिए। तो इस वे में
ये जो है इंटेग्यूमेंट एंड मॉडिफाइड लिंब के बने हुए हैं, यानी कि इनका बेसिक ओरिजन, डेवलपमेंटल ओरिजन या फिर इनका जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर वो अलग है, लेकिन ये फंक्शंस कॉमन परफॉर्म करते हैं, इसलिए ये एनालॉगस ऑर्गन्स है। सेकेंड एग्जाम्पल है ट्रैकी ऑफ एन इंसेक्ट एंड लंग्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स। ठीक है, जो ट्रैकी है इंसेक्ट के, इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकिए प्रेजेंट होते हैं एंड जो लंग्स है वर्टिब्रेट्स के। ठीक है, ये ट्रैकिए हो गई, ये लंग्स हो गई, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गए यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, ये भी एनालोजी शो करते हैं, इनकी ये भी एनालोगस ऑर्गन्स है। कैसे एनालोगस ऑर्गन्स है, अगर हम ट्रैकिए की बात करें, ये होते हैं एक्टोडर्मल इन ओरिजन। ठीक है, कैसे होते हैं, एक्टोडर्मल इन ओरिजन होते हैं। लेकिन अगर हम लंग्स की बात करें, लंग्स होते हैं एंडोडर्मल इन ओरिजन। ओरिजन अलग अलग है, यानी इनका डेवलपमेंटल पैटर्न या फिर इनका हम बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन दोनों ही क्या काम करते हैं, रेस्पिरेशन का काम करते हैं। तो ये भी क्या हुए यहाँ पे, होमोलोगस ऑर्गन्स हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर थर्ड, टीथ यानी मोलर्स ऑफ अ मैन एंड मैंडिबल्स ऑफ कॉकरोच। ठीक है, जो माउथ पार्ट्स होते हैं कॉकरोच के अंदर, जो मैंडिबल्स होते हैं, तो जो मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स एंड मोलर्स होते हैं, ये क्या कर शो करते हैं यहाँ पे, इनके अंदर भी यहाँ पे कस्प प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये कस्प प्रेजेंट होती है, सेम यहाँ पे भी ऐसे छोटे छोटे कस्प प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डेंटिकल्स जो होते हैं ये कस्प होते हैं। तो ये शो मतलब इनका बेसिक स्ट्रक्चर अलग अलग है, ये दोनों के दोनों अलग है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, जो अगर हम बात करें मोलर्स की, पार्शली एक्टोडर्मल जैसे कि इनेबल जो है एंड पार्शली मीजोडर्मल जैसे कि डेंटाइन है इन ओरिजन। ठीक है, पार्शली एक्टोडर्मल एंड पार्शली मीजोडर्मल इन ओरिजन है एंड काम क्या करते हैं, फूड को च्यू करने का काम करते हैं। अगर हम बात करें मैंडिबल्स ऑफ कॉकरोच की, ये एक्टोडर्मल इन ओरिजन होते हैं एंड ये काम करते हैं च्यूइंग फूड। तो फंक्शन क्या हो गया, सिमिलर हो गया, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, अलग था यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर फोर, सिफेलोपोड आई एंड वर्टिब्रेट्स आई, जैसे कि सेपिया की आई हो गई। तो सिफेलोपोड आई एंड वर्टिब्रेट्स की आई, ये अडेप्टेड होती है फोटो रिसेप्शन के लिए, दोनों ही फोटो रिसेप्शन का काम करती है। लेकिन ये क्या है, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर है इनके, जो कुछ सिमिलरिटीज होती है, कुछ इनके अंदर डिफ्रेंशिएट होते हैं, तो इस वजह से ये एनालोगस ऑर्गन्स है, यानी कि फंक्शन इनका कॉमन है, इसलिए ये एनालोगस ऑर्गन है। लेकिन इनका ओरिजन है या फिर कुछ स्ट्रक्चर्स जो है इनके अंदर, बेसिक स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। जैसे कि रेटिना ऑफ वर्टिब्रेट आई डिवेल फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक ब्रेन। ठीक है, जो वर्टिब्रेट आई का रेटिना है वो एम्ब्रियोनिक ब्रेन से डिवेल्प होता है, व्हाइल द इंटायर आई ऑफ द सिफेलोपोड डिवेल्प फ्रॉम द स्किन। लेकिन सिफेलोपोड की आई जो है वो किससे डिवेल्प होती है, यहाँ पे स्किन से डिवेल्प होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक डिफरेंस हो गया, देयर इज नो कोरोइड इन सिफेलोपोड आई एंड सिफेलोपोड आई के अंदर कोरोइड भी एब्सेंट होती है। ऑन द आउटर साइड द सिफेलोपोड आई इज कवर्ड बाय ए ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द इंटेग्यूमेंट टू फॉर्म अ फाल्स कॉर्निया, एंड इसके अंदर एक इंटेग्यूमेंट का बना हुआ फाल्स कॉर्निया प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है जो कि इसको वर्टिब्रेट आई से डिफर करते हैं, इसलिए क्या हो गई यहाँ पे, एनालोगस ऑर्गन्स हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर फाइव, प्रोलेग्स ऑफ प्रेइंग मैंटिस एंड आर्म ऑफ मैन। ठीक है, जो आर्म होती है मैन की या फिर फोरलिंब होता है एंड जो प्रोलेग्स होती है मैंटिस की। ठीक है, ये होगी प्रोलेग, जिसके अंदर कोक्सा ट्रोंकेंटर फीमर यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट होता है, टिबिया एंड टार्सस, जॉइंटेड टार्सस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे मैन के हैंड की, तो यहाँ पे ह्यूमरस प्रेजेंट होते हैं, रेडियस, अल्ना कार्पस, मेटाकार्पस एंड फेलेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गई, अलग अलग स्ट्रक्चर हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर डेवलपमेंटल पैटर्न अलग होता है, लेकिन काम क्या करते हैं, ग्रेस्पिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स को ग्रेस्प करने का, उनको होल्ड करने का, उनको पकड़ने का काम ये करते हैं। तो फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे, कॉमन हो गया, यानी कि सिमिलर हो गया, तो ये एनालोगस ऑर्गन्स है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, डिफर करता है एक दूसरे से। जैसे कि प्रोलेग्स ऑफ मैंटिस आर डिवेल्प फ्रॉम द इंटेग्यूमेंट, ये किससे डिवेल्प होते हैं, इंटेग्यूमेंट से डिवेल्प होते हैं, व्हाइल द आर्म्स ऑफ द मैन आर मॉडिफाइड फॉर हिम। एंड हमारे अंदर या फिर मैन के अंदर जो आर्म है फोरलिंब, मॉडिफाइड फोरलिंब होती है वो, इन विच थंब अपोजिबल टू फिंगर, एंड हमारा जो थंब होता है वो क्या होता है, फिंगर्स के अपोजिबल होता है।
तो ये भी क्या है यहाँ पे एनालोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 टैजिया ऑफ ड्रैको, जिसको फ्लाइंग ड्रैगन बोला जाता है एंड बैट्स। इनके जो टैजिया होते हैं यानी कि ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो यहाँ पे ये फोल्ड्स होते हैं लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या फिर ये हो गए, ये क्या है यहाँ पे टैजिया है। तो ये जो टैजिया है ये क्या करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर डिफर करते हैं, लेकिन फंक्शन इनका क्या है हेल्प इन फ्लाइट, ये उड़ने में काम हेल्प करते हैं एंड इनका स्ट्रक्चर क्या है अलग अलग है। जैसे कि टैजिया फ्लाइंग ड्रैगन आर सपोर्टेड बाय रिब्स, ये रिब्स जो होती है इसकी रिब्स से सपोर्ट किए जाते हैं। एंड व्हाइल द टैजिया ऑफ द फ्लाइंग फॉक्स आर सपोर्टेड बाय फोर लिम्स, एंड ये क्या किए जाते हैं यहाँ पे ऐसे फोर लिम्ब हो गए, ठीक है, ये फोर लिम्ब से सपोर्ट किए जाते हैं। टैजिया फ्लाइंग ड्रैगन हेल्प इन ओनली ग्लाइडिंग टाइप, एंड ये किस में हेल्प करता है ग्लाइडिंग में हेल्प करता है, ग्लाइडिंग टाइप पैसिव फ्लाइट। व्हाइल द टैजिया ऑफ द फ्लाइंग हेल्प इन ट्रू फ्लाइट, एंड ये किस में हेल्प करता है ट्रू फ्लाइट के अंदर हेल्प करता है। तो है तो फ्लाइट ही, यहाँ पे फंक्शन तो फ्लाइट का ही करते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं एनालोगस ऑर्गन्स कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 फिन्स ऑफ फिशेस एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल्स एंड सील्स, ठीक है, जो फिन्स होते हैं फिश के एंड फ्लिपर्स होते हैं व्हेल्स एंड सील्स के, लाइक ये क्या हो गए यहाँ पे अलग अलग टाइप के फिन्स हो गए, कोडल फिन्स हो गए, एनल फिन्स हो गए, वेंट्रल फिन्स हो गए, पेल्विक फिन्स हो गए, डोर्सल फिन्स हो गए, एंड इनके अंदर क्या होते हैं फ्लिपर लाइक फोर लिम्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं फ्लिपर्स होते हैं। व्हेल्स एंड सील्स के अंदर फ्लिपर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये जो यहाँ पे फिन्स हो गए फ्लिपर्स हो गए हेल्प करते हैं स्विमिंग के अंदर। तो यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं फंक्शन है वो कॉमन है, लेकिन फिन्स आर नॉट पेंटाडेक्टाइली, फिन्स जो है पेंटाडेक्टाइली नहीं होते हैं, व्हाइल द फ्लिपर्स आर पेंटाडेक्टाइल, फ्लिपर्स क्या होते हैं पेंटाडेक्टाइली होते हैं। फिन्स डू नॉट हैव एनी स्केलेटल एलिमेंट, एंड फिन्स के अंदर कोई स्केलेटल एलिमेंट नहीं होता है, और फ्लिपर्स के अंदर बोन्स होती है इसके अंदर, ठीक है, पेंटाडेक्टाइल है एंड इसके अंदर क्या होंगी बोन्स होंगी। तो ये यहाँ पे डिफरेंस होते हैं जो इसको स्ट्रक्चर के अंदर एनालोगस ऑर्गन बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8 दैट इज स्टिंग ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियो, जो स्टिंग होते हैं जिसे बाइट करते हैं उनका, इनका जो हनी बी एंड स्कॉर्पियो का जो स्टिंग है वो भी क्या होते हैं एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं। कैसे एनालोगस ऑर्गन है, काम इनका क्या है बाइटिंग करने का है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं डिफेंस में ये बाइटिंग करते हैं, लेकिन ये जो है फंक्शन इनका सिमिलर हो गया, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्स है वो अलग अलग है। जैसे कि स्टिंग ऑफ हनी बी इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ओविपोजिटर, जो लास्ट सेगमेंट होता है ओविपोजिटर, जैसे ऐसे ओविपोजिटर होता है यहाँ पे और ये सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस ओविपोजिटर का ये क्या है यहाँ पे ओविपोजिटर का क्या है एक मॉडिफिकेशन है। एंड जो यहाँ पे स्टिंग है स्कॉर्पियोन का, ठीक है, स्कॉर्पियोन का जो स्टिंग है वो क्या होता है मॉडिफाइड एब्डोमिनल सेगमेंट होता है, लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट जो होगा ये क्या होता है यहाँ पे स्टिंग होता है स्कॉर्पियोन का। तो काम इनका फंक्शन इनका सिमिलर है, लेकिन ये क्या है डिफरेंट डिफरेंट इनका ओरिजन है एंड डिफरेंट डिफरेंट इनका डिवेलपमेंटल ओरिजन है, तो इस वजह से ये क्या हो गए यहाँ पे एनालोगस ऑर्गन्स हो गए। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं एनालोगस ऑर्गन्स विद देयर एग्जांपल्स, कि कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एग्जांपल्स के बेस पे कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं उसके एक दो एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करो। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंदर कनेक्टिंग एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।